वो अकेला ही राजा। हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। दोस्तों आज फाइनली खेसारी लाल यादव ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि काराकट जा रहे हैं पवेश्वर पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए। दोस्तों सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आप सभी को कि कब खेसारी लाल यादव जाने वाले हैं पवेश्वर पवन सिंह के चुनाव प्रचार में और वहां पे क्या क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि पवेश्वर पवन सिंह अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार काराकट से, और बीजेपी की तरफ से हर एक बड़ा नेता आज के डेट में काराकट में चुनाव प्रचार के लिए आ रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार आए थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे, अमित शाह आए थे और भी काफी सारे लोग अभी आने वाले हैं। और इसी बीच में सब लोग आस लगा रहे थे कि आखिर ट्रेंडिंग स्टार के शैलेंद्र यादव कब आएंगे, क्योंकि भोजपुरी के काफी सारे सुपरस्टार हैं जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सारे सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। और खेसारी लाल यादव से काफी लोग उम्मीद लगा कर रखे थे कि खेसारी लाल यादव आएंगे चुनाव प्रचार करेंगे। दोस्तों बता दें कि आज मीडिया को खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने क्लियर कर दिया है कि खेसारी लाल यादव 28 तारीख को काराकट आ रहे हैं पवेश्वर पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए। दोस्तों बता दें कि इस चुनाव प्रचार में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पवेश्वर पवन सिंह दोनों भाई मिलकर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि काराकट में काफी सारे क्षेत्र है जहाँ पे इन दोनों को विजिट करना है, जाके चुनाव प्रचार करना है, इसलिए हेलीकॉप्टर का यहाँ पे माध्यम बनाया गया है और हेलीकॉप्टर के द्वारा ही आपको दोनों बड़े सुपरस्टार हमारे भोजपुर इंडस्ट्री के देखने को मिलेंगे चुनाव प्रचार करते हुए। और काफी लोगों की नजर भी होगी कि आखिर क्या करते हैं ये दोनों सुपरस्टार। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बड़ा माहौल होने वाला है पॉलस्टार और ट्रेनिंग स्टार एक साथ हेलीकॉप्टर में, वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए। बस दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करिए, 28 तारीख काफ़ी जल्दी आ जाएगा, आप सभी के बीच में खेसारी लाल यादव भी नजर आएंगे। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही।